कश्मीर के जंगल में अभी जोरदार बारिश हो रही थी और लाडो चिड़िया के तीनों बच्चे घर पर अकेले ही थे। लाडो चिड़िया के तीनों बच्चे बहुत डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने पहली बार बारिश देखी थी और उनकी माँ घर से बाहर गई हुई थी दाना पानी लेने के लिए। बच्चों को पता नहीं था कि बारिश के समय में क्या करना चाहिए। भैया अंदर आ जाओ, बाहर खतरा हो सकता है, माँ ने कहा है कि मेरे आने तक घोंसले से बाहर मत जाना। अरे टीलू में बाहर जाकर देख रहा था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने देखा कि आसमान से बहुत सारा पानी नीचे गिर रहा है। टीलू बाकी भाइयों में सबसे बड़ा और समझदार था, उस पर अपने बाकी भाइयों की देखरेख करने की जिम्मेदारी थी। अपनी माँ का इंतजार करने के सिवाय बच्चे कुछ और कर भी नहीं सकते थे। इधर लाडो चिड़िया बारिश से बचने के लिए पेड़ की डाली के नीचे रुकी हुई थी। उसे भी अपने बच्चों की बहुत फिक्र हो रही थी। मेरे बच्चे तो घर पर अकेले ही है और बारिश शुरू हुए भी बहुत वक्त हो गया है। मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास जाना होगा, वो बहुत डरे हुए होंगे। इधर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, कालू कौवा इस तेज बारिश में उड़ते उड़ते अपने घोंसले की ओर जा रहा था। तभी उसे लाडो चिड़िया दिखाई देती है। वह जल्दी से लाडो चिड़िया के पास आता है। अरे लाडो, तुम यहाँ? तुम अभी तक घर नहीं गई, इसका मतलब तुम्हारे तीनों बच्चे घर पर अकेले हो गए। हाँ कालू भैया, मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। अरे लाडो, मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहता, लेकिन एक चीलों का बहुत खतरनाक झुंड हमारे जंगल में घुस आया है। हाँ कालू भैया, मुझे ये बात पता है। जब मैं कल टुनटुनी चिड़िया के घर के ओर गुजर रही थी तो मैंने देखा कि एक चील टुनटुनी चिड़िया के बच्चों को खा रहा था। टुनटुनी चिड़िया घर पर नहीं थी, फिर भी एक बच्चा जीवित था। मैंने उस बच्चे को बचाने की ठान ली। अरे ओ चील, छोड़ दे उस बच्चे को, नहीं तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा। चील को गुस्सा आ गया और वो मुझसे कहने लगा, अरे ओ चिड़िया, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा पेट जरा भरा हुआ है, इसलिए मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार मुझे ये मौका दिखाई दिया तो मैं तुम्हें हाथ से नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर चील वहाँ से चला जाता है। ही वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आ गई और वह यह देखकर बहुत दुखी हो जाती है। अरे ये क्या हो गया, मेरा तो सब कुछ लूट गया, ये सब किसने किया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अरे बहन, तुम्हारे बच्चों को चील ने खाया है, अगर मैं अनमौके पर ना आती तो वे तुम्हारे तीसरे बच्चे को भी खा लेता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लाडो चिड़िया, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। पर अब मैं उस चील को नहीं छोड़ूंगी, वह मेरे तीसरे बच्चे को खाने कभी भी आ सकता है। अरे बहन, जल्दबाजी में गलत कदम मत उठाना, वह सिर्फ तुम्हारे बच्चों का ही नहीं जंगल के सभी पक्षियों का शिकार कर रहा है। उसे हमें अपने झांसे में फंसाना होगा, फिर हम उसे उसके किए की सजा देंगे। बिना सोचे समझे कुछ भी काम करना गलत बात है। ठीक है बहन, मैं कोई सा भी गलत कदम नहीं उठाऊंगी। अच्छा तो ये सब हुआ था, तो टुनटुनी चिड़िया के साथ तो बहुत गलत हुआ। हम उस चील को ही नहीं जंगल के बाकी सभी चीलों को भी यहाँ से खदेड़ देंगे। अरे लाडो, तुम जल्दी से अपने घर चली जाओ। हाँ कालू भैया, बारिश रुके ना रुके, मुझे कैसे भी करके जल्दी से अपने बच्चों के पास जाना होगा। अच्छा ठीक है लाडो, मैं चलता हूँ। हाँ कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। बारिश बहुत तेज थी, खुद की परवाह ना करते हुए लाडो चिड़िया किसी तरह उड़ते उड़ते जंगल की ओर निकल पड़ती है। जैसे उस बारिश की वजह से उसे उड़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी, फिर भी वह उड़ती चली जा रही थी। वो देखो दोस्तों,
ये चिड़िया खुद चलकर हमारे पास आ रही है। इस तेज बारिश में इस चिड़िया को खाने का मजा ही बहुत आएगा। अरे भाइयों, आप मुझे कैसे खा सकते हो? मुझे खाने के लिए तो किसी ने पहले से ही रिजर्वेशन करके रखा है। ऐसे कैसे, जो हमारे होते हुए भी तुम्हें किसी ने पहले से ही रिजर्वेशन करके बैठा हुआ है, कौन है वो? जी, वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, मेरे खुद के पति है, जो कि एक चील है। लाडो चिड़िया उन सभी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। अरे, क्या कोई अपनी बीवी को खा सकता है भला, जो जंगल में इतने सारे बाकी पक्षी जो है? हाँ भैया, कोई नहीं चाहेगा, पर मेरा पति चाहता है, उसने मेरे तीनों बच्चों को भी खा लिया। अगर तुमने मुझे खा लिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर है हिम्मत तो चलो मेरे पति के पास, एक बार लड़के दिखाओ, अगर तुम जीत गए तो फिर मुझे खा लेना। लाडो चिड़िया उन तीनों को अपने झांसे में फंसा कर उस चील के पास ले जाती है, जिसने टुनटुनी चिड़िया के बच्चों को खाया था। अरे, ये चिड़िया तो मेरे इलाके की ओर ही आ रही है, कल तो ये मेरे हाथ से छूट गई थी, लेकिन आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, आज तो मैं इसे जरूर खा कर रहूंगा। अरे भाइयों, तुम यहीं पर रुको, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वे सतर्क हो जाएगा, जब वे मुझे पर हमला करेगा तो तुम जल्दी से आ जाना। अरे वाह, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया है, लगता है आज भी मैं पेट भरकर खाना खाऊंगा। लाडो चिड़िया उन्हें वहां पर छोड़कर शिकारी चील के पास आ जाती है। हाँ, तुमने कल वैसे भी मेरे बच्चों को खा लिया था, अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी, मुझे भी खा लो। शिकारी चील जैसे ही लाडो चिड़िया पर अटैक करने की कोशिश करता है, तभी सामने से दूसरा चील आकर उसका रास्ता रोक लेता है। अरे बेटे, तने तो मौज ही कर दी, तनिक रुक जा जरा, वो हमारा शिकार है। अरे तुम सब कौन हो? अरे बेटे, तनिक रुक जा जरा, नहीं तो तेने यही पर ही खोल देंगे। इतना कहकर उन दोनों में तेज लड़ाई होना शुरू हो गई। उन दोनों में इतनी लड़ाई हुई कि वे दोनों घायल होकर जमीन पर गिर गए और उनके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। लाडो उन दोनों के पास आकर बोली, क्यों, कैसी रही? मैंने तुम दोनों को उल्लू बनाया, ना तो मैं इसकी बीवी हूँ और ना ही इसने मेरे तीनों बच्चों को खाया है। मैंने जानबूझकर तुम दोनों में झगड़ा लगाया ताकि जंगल के सभी पक्षी तुम दोनों से बच सके। अरे ओ चिड़िया, तेने ये ठीक नहीं किया। उन दोनों में इतनी लड़ाई हुई कि उन्हें अपने प्राण गंवाने पड़े, इस तरह जंगल के सभी पक्षी उनसे मुक्त हो गए। चलो, इन दोनों का तो काम तमाम हो गया। अरे बाप रे, इन दोनों के चक्कर में तो मैं अपने बच्चों को भूल ही गई। लाडो चिड़िया ने अपने घोंसले में आकर देखा कि उसके घोंसले में पानी भरा हुआ है और उसके तीनों बच्चे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अरे नहीं, मेरे बच्चे कहाँ पर गए? तभी कालू कौवा उड़ते उड़ते लाडो चिड़िया के पास आता है। अरे लाडो, तुम रो मत, तुम्हारे बच्चे सही सलामत है, जब मैं उधर से आ रहा था तो मैंने तुम्हारे बच्चों को बचा लिया था डूबने से। अपने बच्चों को सही सलामत देखकर लाडो चिड़िया बहुत खुश होती है और वह कालू से कहती है, कालू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चों को बचाया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी।